सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी दुनिया, मेरी जान, तुम जियो। मैं चाहती हूँ कि ये जो नया साल है, कैलेंडर बदला है, लेकिन बस मैं सही में ऐसा नहीं है, मैं सच में बस इनका जो ये हमारा 3 साल का सफर रहा है, उन 3 साल में जो इनका साथ रहा है, बस वही साथ मुझे लाइफ टाइम चाहिए। और मैं ये कह रही थी कि मतलब 2019 से लेकर के ये जो 2023 तक का सफर रहा है, इसमें हमने बहुत सारे मतलब बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा देखे हैं, बहुत सारे लेकिन इतने सारे अप्स एंड डाउन होने के बावजूद, इतने सारी चीजें लाइफ में होने के बावजूद, कई बार ऐसे ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ में बहुत आप हमारा स्माइल वाला फेस देखते हो तो चीजें हमेशा नॉर्मल होती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो स्माइल है वो इनकी वजह से है और सिर्फ इनकी वजह से है। जो ये मेरे फेस पे खुशी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ उस मतलब मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। और मैंने बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी मतलब वो पल वो चीज़ें मुझे याद ही नहीं करनी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, लेकिन जो ये एक साथ था, जो ये एक साथ था, बस इनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी इस नए साल, इनसे यही प्रॉमिस करूँगी कि मैंने जैसे अब तक आपका साथ दिया है ऐसे ही जिंदगी भर दूँ, और आपने जैसे मेरा साथ दिया है वो मतलब वो शब्दों में मैं नहीं बता। तो जो बात मैं कह रही थी वो बात ये है कि लाइफ में मतलब जो भी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और बस मैं ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। और बस मैं इनसे यही चाहती हूँ कि जैसे हमने लाइफ के अपने 3 साल, अब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन इन 3 सालों में हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारी मतलब लाइफ है यार, हर हर इंसान की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। तो लाइक आपके जैसे हमारी भी इतनी आसान नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की, पर उन बहुत सारी चीज़ों में जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी वो था इनका सपोर्ट और इनका साथ। तो बस मैं यही कहती हूँ, भगवान जी इस जन्म नहीं, मुझे हर जन्म में यही मिले। ऐसा नहीं है कि हम लड़ते नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हो ना कि हमारी लव मैरिज है, तो मैं बताऊँ आपको मेरी 110% अरेंज है, लेकिन हम लाइक हम जीते हैं एकदम लव मैरिज कपल जैसी फीलिंग के साथ। लव मैरिज वाले शायद इतना एंजॉय नहीं करते होंगे, शायद लव मैरिज में भी होती होंगी, और ऐसा नहीं कि हमारे बीच में होती नहीं है, हमारे बीच में भी फाइट होती है, बट बहुत मतलब मुझे याद ही नहीं होता है कि वो कब होती है। शायद मुझे गुस्सा होने का इनसे ना मुझे बहुत सारे मौके मिलते हैं, और मैं अधिकतर गुस्सा होती भी हूँ चीज़ों से, मगर ये बहुत जल्दी मुझे मना लेते हैं, मुझे 1 सेकेंड नहीं लगता है। तो पहली बात तो हमारे बीच में ऐसी कुछ ऐसी कोई फाइट होती ही नहीं है जिससे हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गुस्सा हो, या फिर ये गुस्सा होते हैं तो मैं मना लेती हूँ, मैं गुस्सा होती हूँ तो ये मना लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे बीच में। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बहुत बहुत कुछ कहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑन कैमरा क्यों कहा, तो मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी कोई देखे तो ये मतलब मैं अमोरेबल तरीके से रहनी चाहिए, जब भी मैं बुढ़ी हो जाऊं, जब हम क्या बोलते हैं उसको, डंडा लाठी लेके चलने लगे ना, तब तक के लिए ये एकदम ऐसे ही जैसे कि तैसी रहनी चाहिए। बस इसके लिए मैं ये सब चीजें कैप्चर करती हूँ, और जो ये जो मतलब कभी कभी ना दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं कह पाता है, तो बस वही सेम चीज है। और मैं मतलब लोग दूर रहते हैं तभी प्यार आता है, ऐसा जरूरी नहीं, मैं साथ रहती हूँ ना तब भी मुझे इन पे बहुत प्यार आता है। और ऐसे तो बस भगवान जी हमारा प्यार ऐसे बनाए रखे हैं, बस भगवान जी हमारा ये प्यार, ये साथ, ये
रिश्ता ऐसे ही बनाए रखे। और ना मैंने एक चीज और फील, मतलब मैंने फील की है, आपने भी की है कि नहीं, मतलब मैंने ये फील किया है कि शायद हम जब मिले थे तब तो प्यार था ही बेसुमार, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इन, हाँ ये भी, लेकिन डे बाय डे, लोग कहते हैं डे बाय डे इंसान का तूने हम शादी कर ली शादी कैसे कर शादी यहाँ के के। बाद का ऐसा लगता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम डे बाय डे और स्ट्रांग हो गए हैं, और चीजें मतलब बहुत कैपेसिटी बढ़ गई है, तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, कौन क्या कहता है क्या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज मुझे जो सबसे बड़ी हिम्मत मुझे जहां से मिलती है, तो वो ये सबसे बड़ी ताकत, मैं जो इतना बोल पाती हूँ ना ये आप लोगों के सामने ऑन कैमरे पे, मैं ज्यादा पक 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 करती हूँ ये बहुत कम, लेकिन ऑफ कैमरे में ना ये बोलने का जो सबसे ज्यादा है ना, जो मैं ये बोल पाती हूँ, जो मैं अपनी बातें रख पाई हूँ, ये मैंने इनसे सीखा है। ये मतलब इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है इस चीज को लेके कि बोलो, मतलब जहां बोलना चाहिए वहां बोलो, बताओ, तभी लोग समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। तो लाइफ कैसी भी हो, जिंदगी कैसी भी हो, एंजॉय करो। कहीं भी रहने रहना पड़े, बस बस वो एक साथ, वो मुझे पूरी लाइफ टाइम मुझे एक ही शख्स चाहिए जो कि ये है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई धन दौलत, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये प्यार और ये साथ ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे, ऐसे ही हमारी लाइफ में खुशियां रहे लाइफ टाइम के लिए। और आप क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ ही पता ना चला। नहीं होता है ना कभी कभी, बात भी ना कह पाऊँ, लेकिन बस मुझे आज ऐसा रियलाइज हुआ कि कभी कभी जो चीजें हमारे मन में चले उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए सामने वाले को, तो बस वही कर दिया मैंने, तो बहुत टाइम से चल रहा था तो मैंने वही कह दिया, तो बस भगवान जी लड्डू गोपाल जी ऐसे ही अपने आप आशीर्वाद बनाए रखें, बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से मुझे, बस सिवाय इनके साथ के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत, क्या है क्या नहीं, बस मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आई हो, तो आप लोगों ने न्यू ईयर में किसको क्या, और हाँ हमने एक प्रॉमिस भी किया है एक दूसरे से कि हमने, क्योंकि अब मैं ऐसा मानती हूँ कि जो है सबसे जो पहला रिश्ता है मेरा, सबसे पहला रिश्ता मेरा इनसे है, क्योंकि अगर ये रिश्ता मेरे साथ मजबूत है ना, तो मेरे साथ सारे रिश्ते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे पास रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे, और मैं ना रिश्तों को बहुत संभाल, मतलब मेरे लिए ना रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन जो होता है ना स्पेशल वन, किधर भाई तो साहब, बस मेरे मायके, ससुराल, हर जगह से लेकर के जो मायके मेरी अपना लाइफ का है, सबसे ये बड़ा अपना घर स्पेशल दोबारा वन है, है, तो किधर है। वो मेरे हस्बैंड है, मैं अगर कहने बैठू ना तो मैं नहीं कह सकती हूँ, अगर आप लोग समझ गए, वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत कुछ समझ गए होंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मैं क्या नहीं कह पा रही हूँ, अब कोई ये ना सोचे कि प्लीज मुझे कोई दुख है, अब कोई बस भी मुझे हो दुख नहीं गया, है, बस भी हो कोई गया। मुझे तकलीफ नहीं है, बहुत जैसी हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ, बहुत ज्यादा लकी कि हाँ, मतलब हम एक, मुझे नहीं पता बाकी चीजें कैसी कैसी नहीं, बगैर हाँ मैं ये श्योर हूँ कि ये बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे बेटे भी हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे इंसान हैं, और इन सब चीज रिश्तों से बढ़ के ना बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज्यादा अच्छे, शायद मुझसे बेहतर बेटे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सो और गया ना अभी। पति तो हाँ ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, ये कोई डाउट नहीं है, और मतलब मोस्टली ऐसा होता है ना कि जो हम लड़कियां फील करते हैं,
कि हम जब शादी के पहले होते हैं तो जो हमारी चीजें होती हैं, मेरे बिना कहे हर चीज समझ लेना, वो एक पापा में होती है, मतलब एक पिता और शादी के पहले माँ बाप होते हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको बिना कहे, कहने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं। तो अगर मुझे कोई बिना कहे समझता है, तो मेरे मम्मी पापा के बाद अगर कोई मुझे समझा है तो वो ये है, दूसरा कोई नहीं। मैं कहूँ ना कहूँ, मैं कुछ भी ना कहूँ तो भी, मतलब कभी कभी तो इतना ओवर समझ जाते हैं कि मैं, मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं सोची, मतलब कुछ नहीं है यार, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है, खुशी के आंसू है। ये मैंने 2023 में निकाल दिया, जो 2019 से लेकर के बैठी थी कि मुझे कुछ कहीं, मुझे मतलब हमेशा से एक था, और मैं जाना चाहती हूँ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं उन ऊंचाइयों तक पहुंचूं और वहां पे जाके मैं बोलूँ, मैं अपने दिल में बहुत कुछ है, मेरे में बहुत कुछ कहना और कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी उस जगह पे जाके बोलना चाहती हूँ जहाँ उन चीज़ों की, मतलब उन चीज़ों से लोग इंस्पायर्ड हों, लोग सीखें, तो उन लोगों के लिए मुझे तो नहीं मालूम मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, अब लोग ही जाने मेरी लाइफ को ना, प्यार भरा बनाने के लिए तुम्हें तहे दिल से थैंक यू, थैंक अरे यू तो बाप रे। मैं कहूँ तो कम है। और मैंने आपको हमेशा से कहा है, जो ये ऑफ कैमरा कर पाते हैं वो ऑन कैमरा नहीं कर पाते कह पाते। तो आई होप आप लोगों को ना इन आंखों में दिख रहा होगा इन आंखों में दिख रहा होगा, दिखा तो ऐसा नहीं कि मेरे बिना कहे ये मुझे समझते हैं, इनके साइलेंट को भी रश्मि समझती है कि नहीं समझती है, बहुत ज्यादा समझती है कि कुछ भी ना कहें ये बिल्कुल शांत रहें तो भी समझती है, और ये बहुत कुछ कहे तो भी समझती है कि नहीं समझती बहुत ज्यादा है, क्या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा समझ लेती है। समझ। शायद इसीलिए हम कभी कभी ऐसा लगता है मेड फॉर इच अदर।